फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने पर सदमे में पहुंचे आमिर खान। फिल्म फ्लॉप होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आमिर खान से मांगा मुआवजा। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। बायकॉट ट्रेंड की वजह से बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने की कगार पर है। 180 करोड़ के बजट में बनी लाल सिंह चड्ढा अपने पहले वीकेंड यानी कि शुक्रवार से लेकर के रविवार तक में सिर्फ 30 करोड़ रुपए तक का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। यदि हम आमिर खान की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड की बात करें तो इतना तो अभिनेता की फिल्में फर्स्ट डे पर कमा लेती हैं। शायद यही कारण है कि आमिर खान सदमे में है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने मेकर्स से मुआवजे तक की मांग कर डाली है। बता दें कि आमिर खान खुद लाल सिंह चड्ढा के को प्रोड्यूसर हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस फिल्म के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि आमिर खान सदमे में चले गए हैं। दरअसल आमिर खान और उनकी पूर्व पत्नी किरण राव के दोस्त ने इस बात का खुलासा किया है कि अभिनेता ने फॉरेस्ट गंप का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन सिनेमाघरों में फिल्म के रिलीज के बाद लोगों का रिएक्शन देख आमिर परेशान हो गए हैं। लोगों के कमेंट्स ने उन पर बुरा असर डाला है। बता दें कि शुरुआती 3 दिनों में आमिर खान की फिल्म की कमाई लगातार कम हो रही है। हालांकि रिलीज के चौथे दिन लाल सिंह चड्ढा के कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सामने आए शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक आमिर खान की फिल्म ने छुट्टी के दिन का फायदा उठाते हुए देश भर में करीब 10 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसके साथ ही अब इस फिल्म का कुल कलेक्शन 37 करोड़ रुपए हो चुका है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो रविवार को लाल सिंह चड्ढा की हिंदी क्षेत्रों में ऑक्यूपेंसी कुल 17% रही। स्वदेश में आमिर खान स्टारर इस फिल्म का जोरों शोरों से विरोध हो रहा है, तो वहीं विदेशों में बॉक्स ऑफिस में लाल सिंह चड्ढा कमाई के मामले में सफल होती दिखाई दे रही है। अमेरिका आमिर की फिल्म की कमाई के मामले में सबसे आगे है। यहां लाल सिंह चड्ढा ने अब तक 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। जहां कनाडा में आमिर की फिल्म ने 4 करोड़ रुपए की कमाई की है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने 3 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। ऐसे में जाहिर है कि इतनी मेहनत और बजट के बाद बनी फिल्म जब फ्लॉप होगी तो कोई भी व्यक्ति सदमे में जा सकता है, और ये बात आमिर खान को अब समझ में आ चुकी है। जाहिर है कि आमिर खान को इस बात का पता चल गया होगा कि अगर आप किसी विरोध को हल्के में लेते हैं तो फिर उसका क्या अंजाम होता है। दोस्तों, क्या आमिर खान इस सदमे से बाहर आ पाएंगे? क्या उन्हें भारत की जनता से अपने किए कराए पर माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताएं कि अगर आमिर खान भविष्य में कोई फिल्म बनाते हैं तो क्या आप उसका इसी तरह से विरोध करेंगे या फिर वो उस फिल्म के ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।